नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप आपका रूफटॉप गार्डन दोस्त एक बार फिर से आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हो, मेरे एक रोज़ के कटिंग पे फ्लावरिंग हुए है। ये एक हाइब्रिड रोज़ है, जैसे कि आप देख पा रहे हो इसके कलर ऑरेंज हुए हैं। कुछ दिन पहले मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर किया हूँ जिसमें मैं इस बरसात के सीज़न में कैसे गुलाब के पौधे की कटिंग लगाया जाता है जिसके बारे में शेयर किया हूँ। तब मैं आप लोगों को दिखाया था कि मेरे इस प्लांट पे बर्ड्स आए थे और वही बर्ड्स देखिए अभी फ्लावरिंग हुए हैं। तो इसके मैं कटिंग लगाया था शायद 3 या 3.5 महीने पहले, मतलब ऑलमोस्ट 90 दिन पहले। तो देखिए मेरे कटिंग अभी लग चुका है और इसमें अभी फ्लावरिंग भी हो चुका है। तो ये एक हाइब्रिड रोज़ है। तो हाइब्रिड रोज़ के कटिंग के बारे में मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर किया हूँ, वीडियोस ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो आप जाकर देख सकते हो कि कैसे हाइब्रिड रोज़ की कटिंग लगाया जाता है। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा मेरे देखिए डलिया के प्लांट पे अभी फ्लावरिंग हो रहे हैं और बहुत सारे अभी बर्ड्स भी आए हैं मेरे प्लांट पे। मेरे एक येलो वेराइटी है जिसमें बहुत सारे बर्ड्स आए हैं और फ्लावरिंग भी हुए हैं। दोस्तों हालांकि फ्लावर के साइज़ तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत ही छोटे साइज़ के फ्लावरिंग हुए हैं, लेकिन इस गर्मी में फ्लावरिंग हुए हैं यही बहुत ही बड़ी बात है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैं मेरे सभी प्लांट को जब विंटर सीजन ख़त्म होने के बाद फ्लावरिंग ख़त्म होने के बाद मैं इसको हार्ड प्रून कर दिया था। तो अभी मेरे प्लांट्स पे नए नए से बहुत सारे ब्रांचेस निकले हैं और उसमें देखिए फ्लावरिंग भी शुरू हो रहा है। तो दोस्तों इसी प्लांट से मैं इस साल बहुत सारे कटिंग लगाऊंगा और उसमें बहुत सारे फ्लावरिंग भी होने वाले हैं। मेरे पास कुछ इस साल 5 प्लांट्स थे, उसमें से मेरे 4 प्लांट्स देखिए सही सलामत है और इसके ग्रोथ भी अच्छे है और प्लांट्स का हेल्थ भी बहुत ही अच्छा है। किसी प्रकार पेस्ट का अटैक मेरे प्लांट पे नहीं है, तो मैं इसी से इस साल बहुत सारे प्लांट्स बना सकता हूँ कटिंग के थ्रू। तो दोस्तों जैसे ही मैं कटिंग बनाऊंगा मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगा कि कैसे डलिया प्लांट की कटिंग किया जा सकता है बहुत ही आसानी से। मेरे सभी प्लांट्स देखिए प्लास्टिक के कैरी बैग के अंदर लगा हुआ है और मैं इस प्लांट को थोड़ी सी शेड पे रखा हूँ जहाँ पर दिन भर की तेज़ धूप ना आता हो। तो आपके पास भी अगर ऐसे प्लांट्स है तो आप इसको थोड़ी सी केयर कीजिए और इससे आप बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हो आने वाले विंटर सीजन के लिए। लास्ट 2 महीने में मैं प्लांट को खाद के इस्तेमाल भी नहीं किया हूँ क्योंकि अभी इसको खाद की ज़रूरत नहीं है। बस इसको आप थोड़ी सी शेड पे रखिए और हर दिन थोड़ा थोड़ा करके इसको वाटरिंग करते रहिए और जितने सारे पुराने स्टेम हैं उसको हार्ड प्रून कर दीजिए, तो वहीं से नए नए से ब्रांचेस निकलेंगे और उसमें फ्लावरिंग हो सकता है। दोस्तों आप अभी तो गर्मी का सीज़न ख़त्म हो चुका है, मतलब टेम्परेचर अभी ज़्यादा नहीं है, तो अभी प्लांट जो मेरे है उसको ख़राब होने का टेंशन नहीं है, मतलब मरने का टेंशन नहीं है। मैं अभी इस प्लांट को अभी थोड़ी सी ऐसे जगह पे रखूँगा जहाँ पर दिन भर की 2 घंटे की धूप मिले ताकि मेरे प्लांट सही सलामत रहे और इस साल मैं इससे बहुत सारे कटिंग्स बना पाऊँ। तो दोस्तों जब भी मैं इसकी कटिंग बनाऊँगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि कैसे डहलिया प्लांट की कटिंग लगाया जाता है बहुत ही आसानी से। तो दोस्तों ये तो था एक छोटा सा अपडेट मेरे गार्डन का, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है आपके मन में तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूँगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।